पैसे मंगवा दूंगी। ये पैसे फोन क्यों ले रहे हो मम्मी? मार के उड़े हो, छोड़ो, पैसे दे दूंगी मैं, मंगा दूंगी पैसे मैं लेके। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल आरवी रॉकस्टार में। राहुल वर्मा जानते हैं गाइस, और इन्हें आप जानते हैं एसआरबी प्रैंक से सरफराज। तो गाइस आज भी एक दिक्कत आई हमारे पास, बहुत बड़ी दिक्कत आई, तो इनके हम मैडम स्वागत है पहले तो आपका हमारे चैनल पे। आपका नाम? मेरा नाम पूजा है। पूजा नाम है इनका। इनकी बहुत बड़ी दिक्कत है, इनका हस्बैंड इनको दहेज के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो इन्होंने अपने घर की लोकेशन मुझे भेजी थी। अभी ये क्या हुआ, इनको हस्बैंड ने इनको भेज दिया था अपने घर पे कि तुम पैसे लेकर आ 50,000 रुपये। देखो पूरी कहानी, क्या दिक्कत है क्या नहीं है, रो मत, पहले आप चुप हो जाओ, क्या बात है पूरा बताओ। भैया मेरी शादी 1 साल पहले ही हुई थी। अच्छा। मेरे हस्बैंड ने दहेज के लिए मेरे को घर से बाहर निकाल दिया था। उन्होंने बोला जा अपने घर पे, दहेज लेके आएगी तभी घर में घुसने दूंगा, नहीं तो घुसने नहीं दूंगा। तो जैसे आपने बताया अरेंज मैरिज है आपकी, तो पैसे वैसे आपने पहले भी दिए थे, आपने एक बाइक भी? हाँ जी भैया, जब शादी हुई थी तभी मेरे पापा ने दहेज दिया था, गाड़ी भी दी थी, पैसे भी दिए थे, गहने वगैरह सब कुछ दिए थे। अब उसके बाद जब मेरे पापा भी एक्सपायर हो गए तो ये लोग बोल रहे हैं कि मुझे और पैसे चाहिए। अब हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है जो हम पैसे ला के देंगे, कहाँ से ला के देंगे इतना पैसा। तो आप चुप रहो, मत, देखो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। इससे पहले मैं आपकी पूरी हेल्प करूँ, परेशान मत रहो, बिल्कुल मत। देखो क्या सबसे बड़ी दिक्कत है, शादी को भी 1 साल हुआ, अरेंज मैरिज हुई है, और आपका हस्बैंड कुछ करता भी है? सिर्फ नशा करते हैं, हमेशा ड्रिंक करके आते, घर में मार पीट करते, बोले पैसे लेके आओ तब घर में आने देंगे, नहीं तो नहीं आने देंगे। और घर आपका ये वाला ना? हाँ जी यही घर है मेरा, ये वाला घर है। आप रो मत, देखो ठीक है, देखो हम आपकी पूरी हेल्प करने आए हैं, ठीक है, अभी आप जाओ पहले, ठीक है। मैं आपके हस्बैंड क्या करता है क्या नहीं बोल दो, अगर वो एंट्री है भैया वो जाते ही मारेंगे, वो अंदर जाने नहीं देंगे। आप चिंता मत करो, देखो आपको पहले बात करनी पटना पड़ेगा, देखो आपसे आपको पहले फिर हम बाद में आ सकते हैं हेल्प करने, फैमिली मैटर है आपका, हमें प्रूफ तो होना चाहिए क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उसको पुलिस में देंगे सीधे, ठीक है। एक बार आप एंट्री करो, एंट्री बोलो पैसे में ले आए, एक बार तुम गेट खोलो, ठीक है, एंट्री करो, उसके बाद हम बात करते हैं। कितने दिन हो गए तुम्हें घर से बाहर भेजे? भैया 10-15 दिन हो गए, मेरे घर वाले भी मुझे वापस भेज रहे हैं, उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, छोटा भाई और मेरी मम्मी है बस, सब मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी, मैं रोज आती हूँ मार के भगा देते, बोले पैसे ले के आओ। परेशान मत हो, एक बार आप एंट्री करो फिर देखते हैं हम, ठीक है, हम पीछे पीछे, तो चलो आप एंट्री। अब रो मत, चुप हो जाओ, चुप रो मत, हम साथ हैं आपके, चलो। गेट खोलो, मैं पैसे लेकर आई हूँ। आ गई, पैसे लेकर आई हूँ, अब तो घर में जाने दो। पैसे दो पहले, तब मैं मेरे पास पहले पैसे दो तब अंदर जाऊँ, पहले पैसे दो यार, दे दूंगी मैं पैसे, घर में तो जाने दो, पहले पैसे दो ना, पैसे लेकर तो आई हूँ, पैसे तभी अंदर जाने दूंगा ना मैं, पैसे अभी दे दूंगी ना घर में, पैसे दो तभी अंदर जाने दूंगा, पैसे पहले मंगा लूंगी ना, पैसे मैं अंदर तो जाने दो, मैं मंगा दूंगी पैसे अभी, मुझे पहले पैसे चाहिए तब घर में जाने दूंगा मैं, पैसे पहले मुझे पैसे चाहिए तब घर में जाने दूंगा, ठीक है, जाने दो ना घर में, मैं थोड़ी देर में दिला दूंगी। तेरा बाप हर बार ऐसे करके भेज देता, बेटा बाद में दे देंगे, बाद में दे देंगे, दे दूंगी मैं इस बार, दे दूंगी पैसे 6 महीने बाद दे देंगे, 6 साल निकल के, इतने पैसे दिए तो है पहले, अब कितने पैसे और देंगे? फिर तुमने ठेका तो लिया था ना स्टार्टिंग में, बोले थे तो दिए तो था स्टार्टिंग में पैसे, मार क्यों रहे हो आप, एक बार अंदर मार क्यों रहे हो, बाहर वो कर रही है, मार क्यों रहे हो, छोड़ो पैसे दे दूंगी मैं, मंगा दूंगी पैसे, मैं लेकर आई पैसे मंगा दूंगी, मार क्यों रहे हो आप, छोड़ो पैसे दे दूंगी मैं, मुझे पैसे चाहिए, कहीं से ही मंगा के दे दूंगी मैं पैसे, मारो मत, मार क्यों रहे हो, पैसे दे दूंगी मैं, कहीं से भी मंगा के दे दूंगी, नहीं मैं कर पैसे मंगवा दूंगी, मंगवा दूंगी पैसे, छोड़ो छोड़ो।
क्या छोड़ पैसे दिला दूंगी मैं, पैसे मंगवा के अभी दूंगी, पैसे फोन के ले रहे हो मम्मी, मार क्यों रहे हो, छोड़ो मम्मा, मत मारो, पैसे मंगवा दूंगी, मंगवा दूंगी मैं पैसे कैसे भी। मैं किसी को लाए हेल्प करने के लिए बुलाए मैंने, मेरा कोई अफेयर नहीं चलता, मेरा कोई अफेयर नहीं चलता, मेरे घर की बात सुनो, चुप हो, चुप हो, चुप हो, शांत हो, मेरे घर की बात है भाई, तुम हो घर की बात है, सड़क पे सड़क बीवी को मार रहा है, बीवी को मार रहा है, अरे रुक जा, छोड़े गाड़ दूंगा, बीवी को कैसे मारा, गिरा गिरा के, क्या किया उसने, मेरा घर, मेरा घर, सड़क पे, ऐसे कैसे बोल सकते हो, मेरा अफेयर है, मैंने हेल्प करने के लिए बुलाया, भैया पैसे के लिए, चुप, ओए इधर आ, चुप, नहीं नहीं भूत बना को मतलब क्यों मार रहा है उसको, क्यों मार रहा है, हाँ बोल बोल भाई, वो घर का मामला है, घर का, घर का मुझे इनके घर वालों से पैसे लेने थे, उसके बाप की डेथ हो गई है, मैंने इतने सारे पैसे दे दिए, पैसे देगा, पैसे ले, पैसे मंगाने के लिए भेजी थी भाई, किसी के पैसे, कितने बार पैसे ला के दूंगी मैं, शादी में दिए थे 2.5 लाख, उसके बाप ने बोला था भाई, इसके बाप तो मर चुके, वो नहीं है तो कहाँ से ला के दूंगी मैं पैसे, जब नहीं है तो चाहिए सारा पूरा वीडियो रिकॉर्ड करके तुम्हें बुलाऊंगा तेरे में, लो मारो इसके, एक मारो पकड़ो, धर धर धर, मार 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 मार, और मारो और मारो और मारो, और एक और, पता लगा कैसे दर्द होता है, पता लगा कैसे दर्द होता है, बीवी है तेरी, मैं तेरा उतार दूंगा, पुलिस बुलाऊंगा, पुलिस में देखूंगा, पुलिस में इज्जत से, भैया यहाँ तक के सारे गहने भी मेरे बेच के पी गए, ये था सारे गहने छीन लिए मेरे, पुलिस में दे दूं, हाँ इसको पुलिस के हवाले कर दो भैया, ये सबूत है तेरे बीफ गिरा और घरे ने हिंसा किया, पुलिस स्टेशन लेके चल, जस्सू आ जा, नहीं नहीं भाई, पुलिस,